सो हियर वी आर इन चर्च। आई डोंट नो कि मुझे अपने शूज बाहर उतारने चाहिए कि नहीं, बट मैं उतारूंगा फिर भी। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू सैम्स व्लॉग। आज है मंडे 28 जनवरी। तो आज सुबह के टाइम हो रहा है 10 बजने वाले, काफ़ी टाइम हो गया उठे हुए। मैं जा रहा हूँ सेंट जेरोम कैथलिक चर्च। जब से आए हैं कैथलिक चर्च नहीं गए, तो आज मैं कह रहा हूँ कि उधर जाते हैं। आज वेदर अच्छा है, हवा थोड़ी सी ठंडी चल रही है, लेकिन ये है कि अभी थोड़ी देर पहले धूप निकली हुई थी तो ठीक था। अब जल्दी से जाते हैं इधर, पैदल तो काफ़ी दूर है, तो युवास उठानी तो भागते हुए जाएंगे। तकरीबन यहाँ से 1 आवर एंड 21 मिनट्स कुछ दूर है, तो वॉक करते करते चले जाएंगे। और आज आपको कनाडा की सुबह भी दिखाते हैं कि कितनी प्यारी सुबह हो जाएगी इधर। सो वी स्टार्टेड आर वे फ्रॉम रॉयल वेस्ट ड्राइव टू विलियम्स पार्क। चर्च यहाँ से काफ़ी दूर है, चिंगूजी की तरफ जाना है। तो जब पाकिस्तान में थे तब तो मतलब घर से 5 मिनट लगते थे जाने में, और जो पैरिश था वो भी इतना दूर नहीं था। अभी बस थोड़ा चलते जाना है, चलते जाना है। मास्क लगा लिया वरना नाक के अंदर बहुत ठंडी हवा जाती है, वो बहुत इरिटेट करती है। सही है, इधर अच्छा है कि मोबाइल बंदा लेके सुकून से जा सकता है। मैप लगा के कराची में होता तो अभी तक मोबाइल भी चले जाता और मैं भी ना पहुंच पाता, तो अच्छा है। सो इट्स लाइक एन आर, आई एम स्टिल वॉकिंग। थक गया हूँ अब काफ़ी, लेकिन अच्छी बात यह है कि सिर्फ 15 मिनट और चलना है और मैं काफ़ी क्लोज हूँ उसके। तो बस जल्दी से पहुँचते हैं, देन एक छोटी सी प्रे करेंगे और आपको चर्च दिखाएंगे कि चर्च कनाडा में मेरे घर के पास भी थे, लेकिन एक सेंट एलियास था वो बंद हो चुका था और एक और चर्च था वो भी अभी बंद था, तो वो सिर्फ सैटरडे संडे खुलते, तो इसलिए फिर मुझे इतना दूर आना पड़ा। एट सेंट जेरोम चर्च बहुत लंबी वॉक करके फाइनली पहुंच गए। आई होप कि चर्च बंद ना हो। चर्च आई डोंट नो कि मुझे अपने शूज बाहर उतारने चाहिए कि नहीं, बट मैं उतारूंगा फिर भी। दिस ब्यूटीफुल चर्च, सो लेट्स हैव अ क्लोज लुक ऑफ एवरीथिंग। सबसे पहले आते सर जिस चीज़ पे मेरी नज़र पड़ी ना वो थी ये, लॉर्ड इंक्रीज आर फेथ। हाँ, ये चीज़ मैं बहुत एग्री करता हूँ कि खुदा, अगर आप खुदा पे ईमान रखते हैं ना तो आपका ईमान बढ़ता जाता है, खुदा आपके ईमान को और मजबूत करता है। आई एम द वे द ट्रुथ एंड द लाइफ, मैं राह सच और ज़िंदगी हूँ। ये मुझे वर्स याद नहीं, लेकिन ये नीचे वाली लूक 15 और उसका 5 आयत, एंड मदर मैरी ये भी एक छोटी सी प्रेयर लिखी हुई है, वी फ्लाई टू योर प्रोटेक्शन ओ होली मदर ऑफ गॉड, डिस्पाइज नॉट आर पिटिशंस एंड आर नेसेसिटीज बट डिलीवर अस ऑलवेज फ्रॉम ऑल डेंजर ओ ग्लोरियस एंड ब्लेस्ड वर्जिन। देन दीज आर द चेयर्स फॉर क्वायर, एंड नेक्स्ट मेरी कोशिश यही होगी कि मैं संडे को आऊँ लाजमी। एंड इट्स अ क्लोज लुक ऑफ एवरीथिंग। काफ़ी टाइम हो गया,
इसको पाक संदूक कहते हैं और इसके अंदर पाक शराकत होती है। आई डोंट नो कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेकिन इसके अंदर जो होता है पाक शराकत रखी होती है, विच वी बिलीव के हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून होता है। सो हमने पूरा चर्च एक्सप्लोर किया एंड एंड में जो चर्च के स्टाफ थे उन्होंने मुझे ये पेपर दिया कि इसमें सारी जो चर्च की टाइमिंग वगैरह है, कन्फेशन की टाइमिंग वगैरह है, वो सब इसमें लिखी हुई है। सो बहुत अच्छा चर्च था, बहुत मज़ा आया अंदर। अब घर की तरफ वापसी भागेंगे, थोड़ी धूप निकल चुकी है तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेदर सही रहेगा वापसी जाते, लेकिन हाथ ठंडे होना शुरू हो गए। और जब आ रहा था तब भी हाथ ठंडे थे और अंदर जाके चर्च के अंदर जाके भी अभी जस्ट हाथ गर्म हुए थे कि अभी लंच ब्रेक हो गया और मुझे आना पड़ा। तो बहुत अच्छा लगा चर्च आके, बहुत ज़्यादा प्यारा चर्च है, बहुत खूबसूरत चर्च है। तो मेरी लाजमी सजेशन है आप लोग को कि जब भी आप लोग इधर आएँ तो लाजमी विज़िट करें। अब घर की तरफ भागते हैं, देखते हैं रास्ते में अगर कोई मैकडॉनल्ड मिलता है तो वो खाते चले जाएंगे, वरना ऐसे ही भागते हैं फटाफट। सो अभी 12:10 हो रहे हैं और युवास की कॉल आई है कि भाई बैठ जाओ उधर, अपनी लाइव लोकेशन भेजो और जिधर हो उधर ही बैठ जाओ, मैं आ रहा हूँ लेने। अगर इधर बैठा रहा ना तो आइसक्रीम बन जाएगी मेरी, लेकिन कोई ना बैठे रहते हैं। अच्छा है कि घर से ना थोड़ा सा ब्रेड वगैरह खा के आ गया था, तो ये काम मैंने अच्छा किया है। थोड़ा सा लेट हो गया था इसकी वजह से, लेकिन अच्छा है। और जो पेपर दिया अभी उसको रीड आउट कर। सो अब हम जा रहे हैं घर, युवास आ गया है ये। अरे अरे सुकून से बैठा हुआ था, कोई वो टेंशन नहीं थी यार, सुकून से बिल्कुल ना, मतलब सर्दी थोड़ी सी लग रही थी लेकिन थी। फिर एकदम से पास आके बैठ गई एक लड़की। अब मुझे मतलब इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा था ना, अजीब सा लग रहा था कि मतलब अभी भाई लड़की ऐसे कभी मैं फिर मैंने आपके भाई की एक्टिंग, गंदी वाली एक्टिंग, फुल मैंने ये पढ़ने की एक्टिंग की उधर बैठ के कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं ध्यान ही नहीं दे रहा। तो मैं बस मतलब एकदम से रेडी था कि बस ये आंटी कोई एक्शन ले और मैं एकदम से भागना शुरू कर दूँ, बस कहीं ना कहीं भाग जाऊँ। लेकिन आंटी ने कुछ भी नहीं कहा, मतलब लड़की थी लेकिन फिर भी आंटी थी। तो अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, घर जाके सही से नाश्ता करते हैं। ये टोटल टाइम लगता है गाड़ी में बैठ के आने में, 5 मिनट भी नहीं लगे, लेकिन पैदल बड़ा दूर पड़ गया था। अब जल्दी से घर भागते हैं। थैंक यू सो मच ब्लॉग में बने रहने के लिए, गॉड ब्लेस यू ऑल। और ब्लॉग एंड करते हैं इधर ही। वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, खुदा हाफिज़।